दोस्तों ये है टीवीएस अपाची आरटीआर, 160 सीसी का इंजन है और ये BS6 मॉडल बाइक है। आज मैंने इस बाइक का सर्विस किया है, इंजन ऑयल रिप्लेस किया है और जैसे ही सर्विस के लिए बाइक आती है या फिर सर्विस के मुताबिक गाड़ी चल जाती है तो यहाँ पर एक सर्विस रिमाइंडर हमें देखने को मिलता है जो कंपनी से पहले ही दिया हुआ है। ये एक सर्विस रिमाइंडर है, जैसे ही गाड़ी 3000 किलोमीटर चल जाएगी या फिर 2500 किलोमीटर, जिसका भी जितना पे सेट किया गया है कंपनी की तरफ से मशीन में जो सेटिंग किया हुआ है उसके मुताबिक गाड़ी अगर चल जाती है ये सर्विस रिमाइंडर बिलिंग करना शुरू कर देगा। तो इसे हमें रिमूव करना है, अभी स्विच ऑफ है इसीलिए आप नहीं देख पा रहे। जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा तो सर्विस रिमाइंडर जो ये रेंच है, जो डाल रेंच का इसमें ऑप्शन जो सिम्बॉल दिया हुआ है लोगो, ये जलने लगता है रेड कलर में। जैसे कि मैं स्विच को ऑन करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये सर्विस रिमाइंडर रेड कलर में बिलिंग करना शुरू कर दिया। तो इस सर्विस रिमाइंडर को बंद करने का तरीका है मैं आपको बताने जा रहे हैं। हीरो की बाइक में तो बहुत ही आसान है, उसमें एक बटन होता है लेकिन इसमें दो बटन हैं। दोनों बटन को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बस हमें इस्तेमाल इस तरीके से करना है। हम चाबी को यहाँ से ऑफ करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें ऑन करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, एक तरफ होता है ऊपर सेट बटन, नीचे होता है मोड बटन। दोनों बटन को हम एक साथ में हमें पुश करना है, एक साथ में ही दबाना है। हमारी गाड़ी अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल ड्राइव या फिर गियर में रहे कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों बटन को हमें दबा के रखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे दिखाते हैं आपको। इस दोनों बटन को हम दबाए रखेंगे, देखिए ये बंद हो चुकी है, अब फिर से ये एक बार जलेगी। अभी तक मैंने बटन को ऑन दबा के ही रखा है। चलो मैं इसे छोड़ता हूँ, ये सर्विस रिमाइंडर रिमूव हो चुका है, बंद हो चुका है। एक बार हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, ऑफ करते हैं फिर ऑन करके हम देख लेते हैं एक बार। तो सर्विस रिमाइंडर बंद हो चुका है, और फिर से जब ये गाड़ी 2500 से 3000 किलोमीटर चल जाएगी उसके बाद फिर से ये ब्रेक करना शुरू कर देगा, और जब भी हम इंजन को रिप्लेस करेंगे तो फिर से हमें इसी तरीके से ख़त्म करना होता है। ये ऑटोमेटिक ख़त्म नहीं होता, इसे ख़त्म करना होता है, रिमूव करना होता है। तो इसी तरीके से आप सर्विस रिमाइंडर को रिमूव कर सकते हैं।